नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एपीएच न्यूज़ पर मैं बंटी रावत आपके सामने फिर हाजिर हूं। आज यहां पे एक चोरी हुई है, हम अंधोप ग्राम का नज़रिया आपको दिखा रहे हैं। यहां पे एक चोरी हुई है, पहले भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। तो यहां पे पहले जो अंधोप गाँव में चोरी हुई थी वो एक मोहल्ला है यहाँ पर, जिसको नौरे वाले मोहल्ले के नाम से हम जानते हैं। वहाँ पर दो छोटी छोटी कहते हैं कटिया और एक भैंस को चढ़ाने का प्रयत्न किया गया था। एक दूसरा मामला फिर से संज्ञान में आया है। यहाँ पर आपको सामने एक ट्रॉली दिख रही है, इस ट्रॉली का डाला कल यहाँ पे खड़ा था और यहाँ पे जिसकी ये ट्रॉली है उसका ये मकान है इधर, जिस पे ये टैगोर पब्लिक स्कूल आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर वो थे, इसके अंदर लेटे हुए थे निगरानी के चक्कर में, ये उन्हीं की कटर सामने खड़ी है। उसके बावजूद भी यहाँ से एक डाला उठा लिया गया, चोरी कर लिया गया। उसके बावजूद भी अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि किसने इस चोरी को अंजाम दिया है। और ये जो डाला है, बताया जा रहा है सुगम पिताजी का नाम हुकम सिंह है, उनका ये डाला था, जिनकी ये ट्रॉली थी जो यहाँ पे खड़ी है, जिनका डाला यहाँ पे चोरी हुआ है। तो आइए उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है, वो कहाँ पढ़ते हैं, ये चोरी पहली बार हुई है या पहले भी ऐसी वारदातें यहाँ पर हो चुकी हैं। तो ये हुकम जी के सुपुत्र हैं सुगम जी, जिनकी ये ट्रॉली थी, तो इनसे बात करते हैं। ये शायद यहीं पे उस टाइम पे लेटे हुए थे, इनके बहुत सारे व्हीकल्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर भी है, मशीन्स भी है, तेल के ड्रम भी यहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत सारा एग्रीकल्चर का सामान यहाँ पर है। और ये इनका नौरा है, लगभग ये यहीं पर रात को रहते हैं, इन सब की निगरानी के चक्कर में यहाँ इन्हें रहना पड़ता है। इनके पशु भी यहाँ पर बंधे रहते हैं और कुछ इनकी फसल बाजरे वगैरह की जो हुई है वो भी यहीं पर रखी हुई है। तो सुगम जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सुगम जी कि ये जो चोरी को अंजाम दिया गया है, ये पहला वाक्या है या आज से पहले भी ऐसे वाक्यात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले? भाई साहब, मेरे पहले काम करीबन दो एक महीने पहले एक ट्रॉली के जब ये खेच वाला आंकड़ा रहता है, आंकड़ा बिछोरा था जी जी, और हम मैं रात को कम से कम हम दोनों भाई 9:30-10 बजे तक यहाँ जगे जी, हम बोले बतराए दोनों भाई जी जी जी। तो जी कहना में हम 10 बजे तक बतराए, उससे पीछे फिर मेरी आंख लग गई, मैं भीतर टीन के अंदर लेट गया जी। उससे पीछे मुझे एक मोटरसाइकिल आवाज़ सुनी जी, मैंने समझा ये बेहतर रोड है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, मुझे उसको नहीं पता। ये लगभग कितने बजे के आसपास की घटना है जो जो बाइक आई थी यहाँ पे, जिसकी आवाज़ आपने सुनी, जिसको ये समझा कि ये रास्ते में निकलता हुआ रास्ता है, तो गुजार रहा होगा अपना बाइक से? ये भाई साहब करीबन 11 बजे से पीछे की बात है जी जी। हाँ, तो फिर आपको ये मामला कब संज्ञान में आया कि यहाँ पे चोरी हो गई है? मैं सुबह जब 5:30 बजे हम ट्रैक्टर की जोत के लिए गए थे जी, जब मैंने देखा तो डाला मुझे बिल्कुल नहीं मिला जी, और रात हमने डाला देखा था। तो लगभग आप रोजाना यहीं पे ठहरते हैं इनकी निगरानी के लिए, उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, इससे पहले भी कुछ ऐसी घटना है जो आपके संज्ञान में है, पहले भी चोर यहाँ पे ऐसे कोई काम कर चुके हैं जिसको लेकर आप यहाँ पे निगरानी के लिए रात को रुकते हैं? रात को तो हम नहीं रुकते हैं जी, मैं कि बहुत सामान पड़ा है, दो हमारे ट्रैक्टर हैं, सब सामान पड़ा रहता है यहाँ पे, पर हम कहना वो आंकड़ा गया था, वो आंकड़ा भी नहीं मिला हमको तो यहाँ पे। तो जो रात में चौकीदार पहरा देता है और यहाँ पे निगरानी में रखा जाता है, क्योंकि पंचायत की तरफ से ये अरेंजमेंट होता है कि एक चौकीदार गाँव में रात को विजिट करता है, जिससे कि अवेयरनेस रहे, लोग जागते रहे, अपना जो सामान है उसका रख रखाव आराम से किया जा सके, क्योंकि पशु भी लोगों के बाहर बंधे होते हैं घर के सामने। उसके बावजूद भी ऐसी चोरी, तो इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या आप ये अपील करना चाहेंगे पंचायत से कि कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो गांव में मूलभूत से होनी चाहिए, जिससे इस तरह की जो वारदात है इनको अंजाम ना दिया जा सके? ये तो ये होना चाहिए भाई साहब, पंचायत का ही काम है, रात को चौकीदार बार बार डुलाया जाए जी, सर पुलिस की ओर होनी चाहिए गश्त जी। तो आपने इसकी कंप्लेंट थाने में कराई है? अभी तो नहीं कराई भाई, पर अब पंचायत से बोल बतरा के इसको कराएंगे गांव वाले सब जी मिलजुल। तो अगर आप यहां पे कुछ बताना चाहें, कोई संभावनाएं हो, किसी पे आपको शक हो कि ये डाला लगभग किसने उठाया है, किसी को आपको अंदाजा लगा हो या कोई अनुमान हो, क्योंकि गांव में बहुत सारे मोमडेंस भी यहां पे आते हैं और ये बहता हुआ रोड है, यहां पे हर तरह का आदमी आता है, तो उसको लेकर किसी पे आपका शक जाहिर हो? अभी तो भाई साहब किसी का कोई शक नहीं जा रहा है, बिना देखे किसका काम लेते हम बिल्कुल भी जी जी जी। हाँ, तो ये यहाँ पर इनका नौरा है, ये सुगम जी है जिनसे हमने बात की है, और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इनके पूरा नजारा दिखाएं। यहाँ सामने देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो कुछ इनकी फसल भी पड़ी हुई है, इसमें कुछ बाजरा भी यहाँ पे इकट्ठा पड़ा हुआ है, ये इनका ट्रैक्टर है, ये इनकी मशीन है, ये तेल के ड्रम रखे हुए हैं, इधर यहाँ पे इनके जो पशु है वो भी बंधे होते हैं, और यहाँ पर पूरा इनका एग्रीकल्चर का सामान यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर चोरी होना और गांव में इस तरह की वारदातें लगातार सामने आती रहती हैं,
उनका सामने निकल के आना ये बड़ा ही अप्रिय है और ये खतरनाक भी है, क्योंकि पंचायत प्रशासन की तरफ से भी रात में चौकीदार भी विजिट करता है, उसके बावजूद भी ऐसी अप्रिय घटनाएं होती हैं। इसको लेके कहीं ना कहीं गांव के लोग थोड़े भयभीत भी दिखाई देते हैं और यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक नहीं ये हर महीने देखा जाता है, महीने दो महीने में ऐसी घटनाएं रिवाइज होती रहती हैं, दोहराई जाती हैं। चोरों के हौसले इस तरह बुलंद हैं कि दिन में रेकी करते हैं और रात में सामान गायब कर लेते हैं। तो सुगम की माता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे इसके बारे में, उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या कहना चाहोगे माता जी इसके बारे में जो आपकी यहाँ पे चोरी हुई है? अभी तो हम तो यही कहे उनके सारे तो यूँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गरीब आदमी है बेटा, सेंधा का अपने घर में तो ही तो चोरी हुई है। जी जी। रात को यहाँ पे बच्चे भी होते हैं आपके निगरानी के लिए, उसके बावजूद भी ये चोरी हो जाती है, इसमें फिर क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहोगे, क्योंकि गांव में पहले भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? तीसरा चांस है जी हमारा तो, एक बार तो यहाँ की हमारे लाला की चप्पल ही उठा ली, एक बार बेल उठा ली 500-700 रुपया की, अब तीसरी बार जी डालो उठा लियो एक क्विंटल को पूरा वजन हो हम लो एक। जी जी। अब बच्चा हमारा यहाँ भीतर सो रहे हो और दीवार तो ठहरे लगे और उठा लियो। सुगम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी ट्रॉली का जो डाला है, जो चोरी को अंजाम दिया गया है, वो कहाँ पर है, आप हमें दिखा सकते हैं? ये रहे भाई साहब, तो आपको दिखाते किस जगह से इनकी चोरी हुई है और यहाँ पे कब से वो रखा हुआ है और ये सारी चीजें हैं। तो पूछता है इनसे कहाँ पे इनकी चोरी हुई है, कहाँ पे रखा था दुकान भी आपको? पंद्रह दिन से खड़ा हुआ था यहाँ पर, खराब था जी। तो यहाँ पे इस तरीके से वो खड़ा हुआ था और दो, इनका कहना है कि दो बाइक वाले यहाँ पे आए, उन्होंने साइड में रखा और यहाँ से फिर उसको बाइक पे उठा कर ले गए। ये ट्रॉली भी आप ही की है शायद यहाँ पे? हाँ, हमारी है। और जो इधर कटर खड़ी हुई है ये किसकी है? ये भी हमारी है। तो ये लगभग कितने दिन से यहाँ पे खड़े हैं? ट्रॉली तो हर दम यहीं पे खड़ी रहती है बारों को। और ये कटर जो खड़ा है आपका, कटर जैसे सीजन में यहीं होती है तो सीजन होके हम अंदर कर देते हैं। आपके जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है लगभग कितने दिन से यहाँ पे बाहर ही खड़े रहते हैं, क्योंकि कुछ तो अंदर है कुछ बाहर खड़े रहते हैं, तो लगभग कितने दिन से? और ये पहली बार ऐसा वाक्य हुआ है जो आपके सामने आया? ये ट्रॉली तो हर दम यहीं पे खड़ी रहती है जी, और ये कटर सीजन में यहीं पर रहती है, तो सीजन करके हम अंदर कर देते हैं। जी जी। और ये कल्टी है, इनको भी अंदर कर देते हैं सीजन करके। और पहले ये काना में जो एक आंकड़ा होता है वो आंकड़ा गया था यहीं से। तो ये आपका पहला वाक्य है, इससे पहले भी ऐसी कुछ घटना यहाँ पे देखने को मिली है? ये दूसरा वाक्य है। हाँ। पहले क्या उठा था यहाँ से? ये जो काना मेज का आंकड़ा, तो पहले यहाँ पे मेज का आंकड़ा और मेज वगैरह भी यहाँ से गायब हो। टाइम टू टाइम यहाँ पे उनका विजिट का कार्य भी टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, जिससे यहाँ पर चोरों को ऐसा मौका ना मिले, ऐसी अप्रिय घटनाएं ना हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और चर्चित खबरों के साथ। मैं बंटी रावत, आपको जो ये न्यूज दिखाई है, हम यहाँ पे आंदोप ग्राम के अंदर हैं, ऐसी अप्रिय घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, तो हम पंचायत से प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, हमारा यही प्रयास है कि ऐसी अप्रिय घटनाएं ना हो, ऐसे कुछ समाधान निकाले जाए, ऐसे कुछ कदम